बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सभी का। सर्वप्रथम तो आप सभी को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश लिए हैं एक नई उम्मीद, एक नई आशा के साथ, एक नए विश्वास के साथ। आप सभी इस प्रांगण में आइए, आप सबका तहे दिल से बहुत स्वागत और अभिनंदन है। अब काफ़ी दिन बाद आप सबके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। नए वर्ष में यह पहला मेरा वीडियो है, तो आप सभी को नए वर्ष की भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। अब हम सीधे बात आते हैं कि आप सबके कौतूहल का जो विषय है आज के समय में, सबसे बड़ा जो प्रश्न है आपका कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय कब खुलने वाला है। ये चाहे प्रथम वर्ष के छात्र हों, चाहे अंतिम वर्ष के छात्र हों और चाहे जिस भी वर्ष के छात्र हों, सबका ये प्रश्न है कि विश्वविद्यालय कब खुलेगा। तो इसका जवाब मैं आपको सीधे और साफ शब्दों में देना चाहूँगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय खुलने की सूचना और जानकारी किसी को अभी तक कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ UGC को पता है और वाइस चांसलर ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को भी पता है कि विश्वविद्यालय कब खुलेगा। अभी जितनी भी कक्षाएं हैं वो सभी ऑनलाइन संचालित हो रही हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि विश्वविद्यालय खुलने की सूचना किसी के पास कुछ नहीं है। उम्मीद है कि आगामी 25 जनवरी के बाद आपका विश्वविद्यालय खुल सकता है, लेकिन इसकी भी संभावना भी बहुत कम दिख रही है। छात्रावास भी अभी नहीं खुले हैं और आगे भी जब तक विश्वविद्यालय खुलने की सूचना आ नहीं जाती तब तक आपके छात्रावास भी बिल्कुल खुलेंगे नहीं। कोरोना की वैक्सीन आ गई है, वैक्सीन जब लग जाएगी, जब हालत और सामान्य दिख जाएगी, तमाम तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी सरकार है, जो भी UGC है, जब उसको ये लगेगा कि अब विश्वविद्यालय खोलने का उचित समय आ गया है, तभी वो विश्वविद्यालय खोलेंगे। अब दूसरी बात पे आते हैं कि जो नए प्रवेश के, जो नव प्रवेशी छात्र छात्राएँ हैं और जो वर्तमान के जो छात्र छात्राएँ हैं विश्वविद्यालय के, उनके लिए जो है बहुत आवश्यक सूचना ये है, इनरोलमेंट यहाँ पर हो रहा है। इनरोलमेंट करवाने के लिए आप सभी को यहाँ पर आना पड़ेगा, आप अपनी फी रिसिप्ट के साथ, और आप अपने जो भी आपका फीस रसीद मिली है आप उसको ऑनलाइन डाउनलोड करवाइए। उसके बाद आप उसके लेकर आके इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आप अपना एनरोलमेंट अपने संबंधित डिपार्टमेंट से करवाइए। BCOM वाले कॉमर्स फैकल्टी में जाएंगे, BSc और MSc वाले साइंस फैकल्टी में जाएंगे, BA वाले अपने डिपार्टमेंट में जाएंगे जो उनका डिपार्टमेंट है। कॉलेज के जो छात्र हैं उनका सीधे संबंध कॉलेज से है, वो कॉलेज से अपनी एनरोलमेंट की प्रक्रिया को पूरा करवाएंगे। रही बात कि एनरोलमेंट करवाना ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है, ये प्रश्न बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। अभी कोरोना का काल है, विश्वविद्यालय भी नहीं खुला है, तो स्वाभाविक सी बात है अगर आप यहाँ पे आएंगे भी नहीं तो भी काम चल जाएगा। इनरोलमेंट अभी बहुत दिन तक होगा, विश्वविद्यालय खुलेगा उसके बाद भी एक महीने तक इनरोलमेंट आपका होगा। इसीलिए आप सभी बिल्कुल भी परेशान न होइए। जो भी लोग अभी घर पर हैं, आ नहीं सकते, वो प्लीज़ अपने घर पर ही रहिए। अभी आप कोई क्लासें ऑनलाइन नहीं चल रही हैं, कुछ विषय की फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लासें चल चुकी हैं, जैसा कि इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की क्लासें यूट्यूब पे ऑनलाइन चल रही हैं। आप सभी इनरोलमेंट करवाने आइए, अपने संबंधित डिपार्टमेंट जाइए, वहाँ पे आपका मोबाइल नंबर लिया जा रहा है, वहाँ पे आपका इनरोलमेंट हो रहा है, उसके बाद आपके टीचर आपसे संबंधित आपके लिए ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था करेंगे। वो जिम्मेदारी आपके विभाग की है। जहाँ तक रही कि अब आगे की बात स्कॉलरशिप की, तो स्कॉलरशिप का फॉर्म आ गया है, डेट भी बढ़ी है, बहुत दिन से स्कॉलरशिप की प्रक्रिया चल रही है। आप सब आइए, स्कॉलरशिप का फॉर्म ऑनलाइन करवाइए, उसके बाद DSW से उसको वेरिफिकेशन करवाइए उसका। तमाम रूप से बहुत सारे प्रश्न आपके मन में थे विश्वविद्यालय खुलने की, तो विश्वविद्यालय अभी नहीं खुलने वाला है। दूसरा प्रश्न है आपका कि आप अभी क्लासें कोई नहीं चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, आप इनरोलमेंट करवाइए। हाँ, रही बात कि आप एक नव प्रवेशी छात्र छात्रा हैं, सबसे पहले आप विश्वविद्यालय में आइए। आप घर हैं तो कमरे की व्यवस्था करिए, आके इलाहाबाद में हॉस्टल, लड़कियां हॉस्टल की व्यवस्था करें, रूम की व्यवस्था करें, आप यहाँ पे आके सेटल्ड होइए, विश्वविद्यालय आइए, घूमिए टहलिए, यहाँ की संस्कृति से आप परिचय लीजिए, यहाँ का माहौल कैसा है, यहाँ का वातावरण कैसा है, आप इससे भली भांति परिचित होइए। पठन पाठन का काम आप लोग चलाए रखिए, क्योंकि परीक्षाएँ 15 अप्रैल से ही होनी है, इतना आप लोग जान लीजिए। सिलेबस कम हुआ है, 70% सिलेबस ही आपको पढ़ाया जाएगा, 30% सिलेबस की कटौती हुई है। आप सभी जो सिलेबस है वो ऑनलाइन नेट से विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लीजिए। रही बात इसकी, आप सब आइए, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। जिस किसी को कोई भी समस्या हो वो मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करिए, फ़ोन कॉल्स करके बिल्कुल परेशान ना करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।